9 बजे से 4 बजे तक खुला रहता है, ये देख सकते हैं एकदम खड़ी चढ़ाई है सीधे वहाँ ऊपर। रास्ता काफी एडवेंचरस है, केफ का नजारा है, काफी भीड़ है अंदर। हम पानी चू रहा ऊपर से। चलिए फाइनली यहाँ पे सीढ़ी बनाया गया है, यहाँ ऊपर से पानी भी टपक रहा है बूंद बूंद। अब यहाँ से फिर चढ़ाई करके वहाँ ऊपर जाना है, इधर से अभी आ रहे हैं। इधर नीचे से भी हमारा अभी इधर और ऊपर जाना है। यहाँ से आप व्यू देखिए नीचे का, काफी ऑसम नजर आ रहा है। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं हम कितनी ज़्यादा सन हाइट पे आ गए हैं। यहाँ नीचे से हम चले थे, अंदर जा रहे हैं। चलो यहाँ से हम केफ कंजा एंट्री ले रहे हैं, गेट बनाया गया है यहाँ पे, ये लाइन लगी हुई है। अरे उषा खुशी यहाँ से हम केफ के अंदर जा रहे हैं और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा टूरिस्ट हैं। यहाँ सामने दीवारों पे देख सकते हैं आप ये जो पत्थर इस पर चित्रण किया गया है, ये सब जो बनाया गया है वो 5,000 से 6,000 साल पुराना है। ऊपर से हम दोस्तों अंदर आए हैं और अंदर आते ही यहाँ पत्थरों पे आप देख सकते हैं चित्रण यहाँ किया गया है जो कि 5,000 से 6,000 साल पुराना है। इधर साइड भी आप देख सकते हैं दीवारों पे।
देख सकते हैं पूरे दीवारों पर यहाँ पे कुछ ना कुछ चित्रण किया गया है। फिलहाल काई भी लग गया है तो विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, पर पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है इधर। हेलो दोस्तों, हमने रेकल केव्स घूम लिया और हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। काफ़ी अच्छा था, ट्रैकिंग काफ़ी अच्छी रही। अब हम बाहर आ गए हैं। अब हम चल रहे हैं वापस रेकल केव घूमने के बाद। यहाँ से हमें नीचे जाना है, फिर लाइट टर्न देना है, वहाँ से हम आए हैं। अगर आप एंट्री करेंगे केव की तरफ तो आप इधर से आएंगे और एग्जिट यहाँ से हमें करना है। काफ़ी बढ़िया सीन लग रहा है यहाँ से। काफ़ी कड़ी धूप निकली है पर पहाड़ों में इधर अच्छी खासी ग्रीनरी है और छाया है, तो चलने में उतना पता नहीं चल रहा है। पर चढ़ाई में तो काफ़ी सांस फूल गया था, पर अभी ठीक है, माहौल अच्छा लग रहा है। इसमें एंट्री करते टाइम ज़्यादा भीड़ था, एग्जिट में खाली है सीढ़ी, तो आराम से उतर रहे हैं। यहाँ पे एकदम खड़ी सीढ़ी है। ये एग्जिट का रास्ता, अगर आप एंट्री दे रहे होंगे तो ये देखिए रास्ता जा रहा है, यहाँ वे इन लिखा है, यहाँ से आप ऊपर चढ़ के जाएंगे। फाइनली दोस्तों, हम उस प्लेस पर पहुंच गए हैं जहां से हमने टिकट कराया था। एग्जिट का रास्ता काफ़ी खाली था तो हम जल्दी नीचे आ गए। दोस्तों हम नीचे आ चुके हैं और एक दिन में रेकल केव में केवल 1920 लोग अलाउ हैं और आज का कोटा कंप्लीट हो गया है, तो अब एंट्री नहीं मिल रही अंदर जाने की। तो अब जितने भी विजिटर आएंगे उनको वापस जाना पड़ेगा यहाँ से।